हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कल की क्लास से आगे आज हम देखें तो हमने भारत के पड़ोसी देशों की सीमाओं को लेकर के चर्चा की। इसी संदर्भ में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे पड़ोसी देशों की शेष स्थिति को स्थलीय सीमाओं से लगने वाले देशों में। आगे अगला देश हमारा है भूटान। भूटान व भारत किस प्रकार से संबंधित है, तो सबसे पहले हम देखें भूटान की सीमाएं हैं, ये पूर्णतः प्राकृतिक हैं, प्राकृतिक सीमाएं लगती हैं। यहां हम देखें प्राकृतिक सीमाओं के संदर्भ में तो हमारे हिमालय के साथ हिमालय पर्वत के सात सीमाएं बनती हैं, तो हमारी प्राकृतिक सीमाओं से घिरा हुआ है भूटान। इसी संदर्भ में हम आगे चर्चा करें तो भूटान की स्थिति भारत के लिए विशेष महत्व की भी है। इसको कहा जाता है बफर स्टेट, जैसा हमने नेपाल के संदर्भ में पढ़ा था। बफर स्टेट क्या होता है? दो महाशक्तियों के मध्य सामरिक महत्व वाला उच्च स्थान बफर स्टेट के रूप में जाना जाता है। भूटान भी एक बफर स्टेट के रूप में आता है। यहां हम भूटान की स्थिति में आगे की स्थिति सीमा के साथ देखें तो सीमा की लंबाई 699 किलोमीटर पाई जाती है। इस प्रकार से हमारी प्राकृतिक सीमाएं, साथ ही प्राकृतिक सीमाओं के संदर्भ में लंबाई 699 किलोमीटर, भारत के वे राज्य जिनकी सीमाएं भूटान देश को स्पर्श करती है, उन राज्यों की बात करें तो भारत के राज्य सबसे पहले नेपाल से निकटवर्ती जो सीमा बनाता है सिक्किम, जिसकी दोनों देशों के साथ सीमा बनती है। नेक्स्ट स्थिति पश्चिमी बंगाल, थर्ड स्थिति में आता है असम और फोर्थ स्थिति में आता है अरुणाचल प्रदेश। इस प्रकार से हमारी प्राकृतिक सीमाएं भूटान को स्पर्श करती हैं। भारत और भूटान के बीच विशेष रूप से देखा जाए तो सामरिक महत्व का उपयोग अधिक होता है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय संबंधों की बात करें तो भारत और भूटान के बीच कोई मतभेद या कोई विवाद नहीं रहे हैं। हम इसी संदर्भ में इसको आउटलाइन के रूप में भारत के मानचित्र पर प्रदर्शित करें तो भारतीय मानचित्र पर हम इसको निम्न प्रकार से देखें, कौन कौन सी सीमाएं किस प्रकार से स्पर्श करती हैं। तो हम भूटान की स्थिति को यहां देखें, भूटान की स्थिति इस प्रकार से लगती है। भूटान के सीमा बनाने वाले राज्यों की चर्चा करें, भूटान के साथ सीमा भारत का सिक्किम राज्य बनाता है, पश्चिमी बंगाल बनाता है, इस स्थिति को भूटान के साथ सीमा बनाने वाली स्थिति सिक्किम पश्चिमी बंगाल असम व अरुणाचल प्रदेश सीमाओं से जुड़े हुए हैं। अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है। इस प्रकार से भारत की सीमाएं चार राज्यों की भूटान से स्पर्श करती हैं, सिक्किम पश्चिम बंगाल असम व अरुणाचल प्रदेश। इस प्रकार से
भारत का निकट पड़ोसी देश जो सामरिक महत्व वाला देश है हमारी सीमाओं को स्पर्श करता है उत्तर दिशा में। तो ये जो दिशा है भारत के संदर्भ में भूटान की वो उत्तरी दिशा है, उत्तरी दिशा के साथ पड़ने वाला पड़ोसी देश है भूटान। इस प्रकार से भारत के पड़ोसी देश के संदर्भ में भूटान की महत्वपूर्ण भूमिका और सीमाएं प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट स्थिति हम पड़ोसी देश की चर्चा करें तो नेक्स्ट स्थिति में हम देखते हैं भारत व म्यांमार देश। दोनों देशों के संदर्भ में सबसे पहले हम चर्चा करें सीमाओं की, तो सीमा की स्थिति कुछ इस प्रकार से दिखलाई पड़ती है। सीमा प्राकृतिक है। अब यहां सबसे महत्वपूर्ण जो तथ्य आता है, सीमा प्राकृतिक है तो सीमा प्राकृतिक रूप में किस प्रकार की बनती है? यहां पर्वतीय सीमा बनती है, पर्वत के साथ बनती है, पर्वत का नाम है आराकान योमा पर्वत। आराकान योमा पर्वत के साथ में म्यांमार भारतीय सीमाओं को स्पर्श करता है। म्यांमार और भारत की स्थिति में आगे हम देखें तो लंबाई को लेकर, लंबाई के संदर्भ में भारत और म्यांमार के बीच में 1458 किलोमीटर की पूर्णतः प्राकृतिक सीमा बनती है। इस सीमा का भी कोई विशेष नाम नहीं दिया गया है, पूर्णतः प्राकृतिक सीमाओं से आबद्ध है। अराकान योमा पर्वत श्रृंखला का पूर्वी भाग म्यांमार तथा पश्चिमी भाग है वो भारत की ओर पड़ता है। कुछ दर्रों के द्वारा इसको पार किया जा सकता है और इन्हीं के माध्यम से भारत और म्यांमार के बीच में व्यापार भी होता है। यहां हम देखें म्यांमार को लेकर के, तो म्यांमार के संदर्भ में हमारी चर्चा विवाद को लेकर के आती है। उस विवाद पर चर्चा करें तो भारत म्यांमार विवाद, कौन कौन से विवाद भारत और म्यांमार के बीच में रहे, इन विवादों में हम सबसे पहला विवाद पाते हैं, इसको कहा जाता है चकमा शरणार्थियों का विवाद या चकमा शरणार्थी विवाद। चकमा शरणार्थी क्या थे? जब हम म्यांमार की सीमाओं को देखते हैं तो इस संदर्भ में म्यांमार से अशांति के रूप में जब मुस्लिम संप्रदाय के कुछ लोग वहां भारतीय सीमाओं से होते हुए असम व पूर्वोत्तर राज्यों में प्रवेश कर गए, इसी समस्या को कहा जाता है चकमा शरणार्थी समस्या। नेक्स्ट दूसरी स्थिति आती है, विवाद की दूसरी स्थिति है द्वीप को लीज पर दिया जाना। भारत के बीच में ऐसा विवाद नहीं रहा है लेकिन व्यापारिक क्रियाओं में मतभेद हुआ था और वो मतभेद था चाइना को दिया गया एक द्वीप जिसको कोको द्वीप कहा जाता है, उस कोको द्वीप को चीन ने लीज पर लिया तथा म्यांमार और भारत के बीच में मतभेद उभर करके सामने आए और वो द्वीप स्थित है म्यांमार के कोको द्वीप के रूप में। कोको द्वीप के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार से हम देखें तो म्यांमार हमारे पास में पूर्णतः प्राकृतिक सीमाओं के साथ आबद्ध देश, जिसके साथ में हमारे अधिकांशतः मैत्रीपूर्ण ही संबंध रहे हैं, प्राकृतिक सीमाएं रही हैं। प्राकृतिक सीमाओं का उल्लंघन म्यांमार देश ने कभी नहीं किया लेकिन प्राकृतिक सीमाओं के साथ पड़ोसी देशों के साथ आकर के भारतीय जो आर्थिक नीतियां थी, भारत की सामरिक महत्व की जो नीतियां थी, उनको आघात पहुंचा कोको द्वीप को लेकर के। लेकिन इसका भी वर्तमान समय में भारत सरकार द्वारा निराकरण कर लिया गया है। भारत म्यांमार देश को आर्थिक सहायता भी उपलब्ध करवा रहा है। इसकी आउटलाइन या सीमाओं पर चलते हैं तो हम देखें भारत की
सीमाएं म्यांमार के लिए, तो भारत और म्यांमार की सीमाओं के संदर्भ में हम देखें तो म्यांमार की सीमाएं इस प्रकार से लगती हैं। सबसे पहले हम देखें अरुणाचल प्रदेश सीमा बनाता है, नेक्स्ट नागालैंड सीमा बनाता है, मणिपुर सीमा बनाता है, मिजोरम सीमा बनाता है। इस प्रकार से चार राज्यों की सीमाएं म्यांमार को स्पर्श करती हैं। इन राज्यों का क्रम इस प्रकार से भी पूछा जाता है, काफी महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। उत्तर से दक्षिण की ओर सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, नेक्स्ट नंबर टू नागालैंड, नेक्स्ट नंबर थर्ड मणिपुर, नंबर फोर्थ मिजोरम। इस प्रकार से चार राज्यों का क्रम उत्तर से दक्षिण की ओर है। इन सीमाओं पर ही प्रश्न अधिकांशतः एग्जाम में पुटअप किया जाता है। यहां स्थिति आती है कोको द्वीप की, जिसको चीन ने लीज पर लिया है। इसको लेकर के भारत के मतभेद कुछ समय के लिए बने, लेकिन वर्तमान में इनका निराकरण कर लिया गया है। अब हम देखें तो भारत और म्यांमार के साथ हमारी जो परिस्थितियां थी वो परिस्थितियां लगभग सामान्य हैं, और इन्हीं प्राकृतिक सीमाओं के साथ हमारी प्राकृतिक सीमाएं पूर्णतः सुरक्षित सीमाएं मानी जाती हैं। इस संदर्भ में आगे हम देखें तो नेक्स्ट स्थिति हमारे पड़ोसी देश के संदर्भ में भारत व बांग्लादेश की आती है। भारत और बांग्लादेश की सीमाएं किस प्रकार से आबद्ध हैं, इसको अगर हम देखें भारत के साथ सर्वाधिक सीमा, भारत के साथ लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा सर्वाधिक सीमा है, सर्वाधिक सीमा रेखा है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है डियर स्टूडेंट, यहां ध्यान देंगे, देशों के अंतरराष्ट्रीय सीमा के क्रम को भी पूछा जाता है, जिसकी चर्चा हम एक बार पुनः करने वाले हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होता है किस देश की अंतरराष्ट्रीय सीमाएं भारत के साथ सर्वाधिक लगती हैं। बांग्लादेश की अंतरराष्ट्रीय सीमाएं भारत के साथ सर्वाधिक लगती हैं। लंबाई के संदर्भ में चर्चा करें, बांग्लादेश के साथ लगने वाली जो सीमाएं हैं 4096.70 किलोमीटर की सीमाएं लगती हैं। साथ ही ये सीमाएं तीन और भारत से घिरा होने के कारण भारत की सीमाओं के बीच फंसा हुआ पड़ोसी देश है। दिशा के संदर्भ में चर्चा करें, जिसको हम पहले सामान्य जानकारियों में देख भी चुके थे, भारत के साथ बांग्लादेश की दिशा है वो पूर्णतः पूर्वी बनती है। राज्यों की चर्चा करें तो राज्यों के संदर्भ में भारत के राज्य राज्यों के संदर्भ में हमारे निम्न राज्य सीमा पर आते हैं। सबसे पहले हम पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल से आगे की ओर बढ़ते हैं तो आता है असम, मेघालय, नेक्स्ट आता है त्रिपुरा, नेक्स्ट आता है मिजोरम।
इस प्रकार से हमारी सीमाएं आबद्ध हैं। अब यहां हम मानचित्र के माध्यम से देखेंगे जो स्पष्ट स्थिति होगी। अब हम देखें यहां जो प्रश्न उठता है, असम बांग्लादेश के साथ दो बार सीमा बनाता है। असम बांग्लादेश के साथ दो बार सीमा बनाता है तथा त्रिपुरा राज्य की जो सीमा है वो तीन और लगती है, तीन और सीमा लगती है। दोनों ही तथ्य महत्वपूर्ण है भारत और बांग्लादेश के लिए। सीमाओं पर बनने वाली स्थिति है वो इस रूप में पूछी जाती है, असम दो बार सीमा बनाता है तथा तीन और सीमाओं से घिरा हुआ है हमारा त्रिपुरा राज्य। इस स्थिति के साथ हम भारतीय मानचित्र पर इसको प्रदर्शित करें और साथ ही विवादों की स्थिति को देखें, तो सबसे पहले हम इस मानचित्र के माध्यम से इसको देखें। यहां कौन कौन से राज्यों की सीमाएं लगती हैं? सबसे पहले पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल से आगे की चर्चा करें असम, नेक्स्ट चर्चा करें मेघालय, नेक्स्ट की चर्चा करें हम त्रिपुरा, और अंतिम रूप से मिजोरम। इस प्रकार से सीमावर्ती राज्य जो पश्चिमी बंगाल के साथ, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम के साथ बांग्लादेश की सीमाएं स्पर्श करती हैं। तो इस प्रकार से ये आउटलाइन है, ये बांग्लादेश की सीमाओं के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लेकर के भी प्रश्न होते हैं जिसकी चर्चा हम विशेष तथ्य के रूप में करेंगे। तो विशेष तथ्य के रूप में हम जानते हैं सीमा रेखा, इस सीमा रेखा का नाम। अब यहां तीन तथ्य निकल करके आएंगे। सबसे पहले हमने जाना था भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में, भारत और पाकिस्तान के साथ लगने वाली जो सीमा थी उस सीमा का नाम था रेडक्लिफ लाइन या रेडक्लिफ अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा। उसी रेडक्लिफ रेखा का जो निर्धारण था 1947 में किया गया था। उस समय 1947 में पाकिस्तान के दो पार्ट थे, एक पूर्वी पाकिस्तान जो वर्तमान में बांग्लादेश है, एक पश्चिमी पाकिस्तान जिसको वर्तमान में हम पाकिस्तान कहते हैं। दोनों की सीमाएं रेडक्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती थी। तो भारत और बांग्लादेश के मध्य जो सीमा बनती है उसको भी रेडक्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। तो रेडक्लिफ रेखा रेडक्लिफ रेखा। निर्धारण 1947, उस समय बांग्लादेश था वो पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट स्थिति की चर्चा करें हम सीमाओं को लेकर। इसकी दो प्रकार की सीमाएं हैं, एक को कहा जाता है तीन बीघा गलियारा तथा दूसरी को कहा जाता है जीरो लाइन। तीन बीघा गलियारा और जीरो लाइन है इंपोर्टेंट तथ्य है। पूर्व की ओर पड़ने वाली जो स्थिति है इस रेखा को कहा जाता है त्रिपुरा के साथ लगती है, इसको कहा जाता है पश्चिम बंगाल के साथ, अर्थात पश्चिम बंगाल के साथ लगने वाली जो सीमा है उसको तीन बीघा गलियारे के नाम से जाना जाता है, और त्रिपुरा के साथ लगने वाली जो सीमा है उसको कहा जाता है जीरो लाइन या जीरो रेखा के रूप में जानी जाती है। और संयुक्त रूप से अगर उसको देखा जाए तो उसको कहा जाता है रेडक्लिफ रेखा का भाग। तो वर्तमान में हम इन्हीं दो लाइनों के रूप में या इसी दो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के संदर्भ में हम पढ़ते हैं।
तीन बीघा गलियारे का संबंध, तो तीन बीघा गलियारे का जो संबंध है वो हम बांग्लादेश के साथ पाते हैं और जीरो डिग्री रेखा का संबंध भी हम बांग्लादेश के साथ पाते हैं। यहां दोनों तथ्य इंपोर्टेंट है, तीन बीघा गलियारा पश्चिम बंगाल के साथ, जीरो डिग्री जीरो लाइन त्रिपुरा के साथ लगने वाली सीमावर्ती अंतरराष्ट्रीय भाग को कहा जाता है। अब हम देखें ये जो सीमा रेखाएं हैं इनको लेकर के भी भारत के बीच में कुछ विवादित स्थिति रही थी, लेकिन वर्तमान समय में जिसको हम भारत के और बांग्लादेश के बीच विवाद को लेकर के चर्चा करेंगे उनमें इसका निराकरण कर लिया गया है। देखते हैं हम भारत और बांग्लादेश के बीच में विवादों के तथ्यों को। भारत व बांग्लादेश के मध्य विवाद, भारत व बांग्लादेश के मध्य विवाद, डियर स्टूडेंट काफी इंपॉर्टेंट तथ्य होंगे। सभी देशों से ज्यादा महत्वपूर्ण तथ्य बांग्लादेश के साथ ही निकल करके हमारे सामने आते हैं। सबसे पहला जो विवाद निकल करके आता है, विवाद को कहा जाता है फरक्का जल विवाद। फरक्का जल विवाद चर्चित विवाद है। फरक्का एक डैम है, एक बांध बनाया गया है। इस बांध का विरोध बांग्लादेश ने किया और इसी को कहा जाता है फरक्का जल विवाद। नेक्स्ट हमारा दूसरा विवाद आता है, इस विवाद को कहा जाता है द्वीप विवाद। ये जो द्वीप विवाद था यहां महत्वपूर्ण तथ्य है, द्वीप कौन सा था जिसको लेकर के हमारे बीच में विवाद रहे, ये द्वीप है न्यू मोर द्वीप। हाल ही में 2019 में बांग्लादेश द्वारा इसको भारत को सौंपा जा चुका है। भारत को सौंपा जा चुका है, ये विवाद भी समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट हम अगर विवाद की चर्चा करें तो विवाद नंबर तीन आता है जो हमारी सीमाओं के निकट पड़ता है, भूमि अदला बदली विवाद। भूमि अदला बदली विवाद, अब यहां ध्यान देंगे भूमि अदला बदली क्या है। यही हमारी अंतरराष्ट्रीय जो सीमाएं थी जिनको हमने तीन बीघा गलियारा का नाम दिया था वहां पड़ने वाला विवाद था, जिसका भी निराकरण भारत सरकार द्वारा कर लिया गया है। क्या थी भूमि अदला बदली? यहां हम बांग्लादेश की स्थिति को अगर हम देखें तो बांग्लादेश की स्थिति कुछ इस प्रकार से नजर आती है जो भारतीय सीमाओं के साथ लगती है। इस प्रकार की सीमाएं हैं, इन सीमाओं में कुछ स्थिति जो इस आउटलाइन द्वारा दिखलाई पड़ रही है, कुछ क्षेत्र भारतीय सीमाओं की ओर है बांग्लादेश का तथा कुछ क्षेत्र भारत का है जो बांग्लादेश की ओर है। इस समस्या के निराकरण करने हेतु इस भूमि क्षेत्र को, यहां रहने वाली बस्तियों को भारत व बांग्लादेश सरकार ने भूमि अदला बदली के तहत समायोजित किया है। एक सामान्य सी सीधी रेखा द्वारा इसका निर्धारण करते हुए वो क्षेत्र जो भारतीय सीमा का बांग्लादेश की ओर लगता था भारत द्वारा बांग्लादेश को लौटा दिया गया, बांग्लादेश का वह क्षेत्र जो भारत की ओर लगता था उसको भारत को लौटा दिया गया। एक थोड़ा सा ध्यान देंगे, अभी हमने चर्चा की थी विवाद नंबर चार की, तो वहां हमने इस स्थिति में देखा था इस स्थिति को ध्यान देंगे, ये जो विवाद था ये बांग्लादेश के बीच में था, म्यांमार के बीच में यही विवाद था, इसको कहा जाता है रोहिंग्या विवाद। रोहिंग्या विवाद इसको दुरुस्त कर लेंगे, साथ ही इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे। अब इस विवाद के आगे हम देखें तो हमारी
अंतिम जो स्थिति है विवादों में यह थी चकमा शरणार्थी विवाद, चकमा शरणार्थी विवाद। चकमा शरणार्थियों की समस्या। साथ ही थोड़ा सा यह भी ध्यान देंगे, वर्तमान समय में करंट का प्रश्न भी है ये, चकमा शरणार्थी जो विवाद है ये भारत और बांग्लादेश के बीच में है, साथ ही भारत और बांग्लादेश के बीच में इस विवाद को लेकर के अभी चर्चा का विषय है एक बिल जिसको कहा जाता है एनआरसी बिल। एनआरसी बिल को सबसे पहले लागू किया गया है असम में और ये चकमा शरणार्थी समस्या भी सबसे ज्यादा प्रभावित रही है असम क्षेत्र में, क्योंकि असम के साथ में बांग्लादेश की सीमाएं लगती है। जब भारत और बांग्लादेश के बीच में ये समस्या जब पूर्वी पाकिस्तान के रूप में एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभर रही थी, उस समय यहां के जो मुसलमान व्यक्ति थे यहां पाकिस्तान की सेना द्वारा उनके ऊपर अत्याचार किया गया तथा उनके द्वारा भारतीय सीमाओं को प्रवेश करते हुए भारतीय सीमाओं में शरण ली गई और इसी समस्या को कहा जाता है चकमा शरणार्थी समस्या। नेक्स्ट अगर विवाद की हम चर्चा करें, तो विवाद नंबर 5 आता है भारत के साथ बनने वाली स्थिति, इसको कहा जाता है नदी जल बंटवारा, नदी जल बंटवारा। अब यहां नदी जल बंटवारे को लेकर के जो विवाद है यह ध्यान देंगे, यहां मणिपुर राज्य से एक नदी निकलती है मणिपुर राज्य से एक नदी निकलती है नदी का नाम है बराक नदी। इस बराक नदी के पानी को लेकर के भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद रहा है, इस पर भी भारत सरकार द्वारा इसका निराकरण कर लिया गया है। लगभग हमारे जो विवाद हैं बांग्लादेश के साथ में हो रहे थे उनको दूर कर दिया गया है। अब आगे हम देखें तो ऐसा ही एक विवाद भारतीय सीमाओं के पास में गंगा नदी पर, गंगा नदी पर जल की धारा को रोकने से उत्पन्न हुआ है। जल की धारा को रोकने से उत्पन्न हुआ है। अब यहां ध्यान देंगे गंगा की जो जलधारा है अंत में जब पश्चिम बंगाल के पास में आती है तो एक शाखा है वो हुगली के रूप में पश्चिम बंगाल से होती हुई कोलकाता शहर के निकट से होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और एक जलधारा है वो बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। इस समय जब ग्रीष्म काल में इस गंगा नदी में पानी की कमी आती है तो इस समय जलयानों के लिए इस नदी में पानी की आवक को बनाए रखने के लिए इस पर बांध बनाया गया। इस बांध का उपयोग भारत अधिकांश करता था लेकिन वर्तमान समय में इसका सॉल्यूशन या इसका निराकरण दोनों के द्वारा इस प्रकार से किया गया है कि दोनों इसका उपयोग 50-50% करेंगे। तो इस रूप में यह समस्या भी भारत की दूर हो चुकी है, 50% जल भारत लेगा और 50% जल है वो बांग्लादेश लेगा। इस जल को कहा जाता है या इस विवाद को कहा जाता है तीस्ता विवाद, तीस्ता विवाद। सामान्य रूप से हमें तीस्ता विवाद नहीं देगा, सब जानते हैं तीस्ता विवाद फरक्का जल विवाद है वो बांग्लादेश के मध्य है, लेकिन नदी जल बंटवारे को लेकर के गंगा नदी के जल को विभाजित करते हुए विवाद विभाजन की जो स्थिति है इसकी समस्या को दूर करने के लिए जो विवाद हुआ उसको किस नाम से जाना जाता है, यहां नाम होगा
तिस्ता नदी के ऊपर या तिस्ता जो शाखा है उस पर बना हुआ, जो गंगा की शाखा है इस पर बना हुआ एक बांध जो जलधारा के रूप में जल गंगा नदी में छोड़ती है और गंगा के जल लेवल को ऊपर उठाती है। ग्रीष्म काल में गंगा नदी के तल के रूप में पानी को ऊपर उठा करके और भारी जहाजों के जलयान भारत तक आ सके, कोलकाता बंदरगाह तक पहुंच सके, इस समस्या के लिए ये समस्या तिस्ता के रूप में उभर करके सामने आई जिसका निराकरण कर लिया गया है। इस प्रकार से भारत और बांग्लादेश के मध्य जो विवाद रहे उनका शांतिपूर्ण हल भारत सरकार द्वारा और बांग्लादेश सरकार द्वारा मिलकर के निकाला गया है। अब वर्तमान समय में भारत का एक मित्र राष्ट्र के रूप में बांग्लादेश जाना जाता है। आगे हम करें जलीय सीमाओं की चर्चा। भारत की जलीय सीमाएं, यहां हमने देखी थी जलीय जो सीमाएं हैं हमारी वो दो प्रकार की हैं, एक थी हमारी जलीय सीमाओं में मुख्य भूमि की जलीय सीमा और एक थी द्वीपों सहित जलीय सीमा। द्वीपों सहित जलीय सीमा दोनों की लंबाई में भी कुछ अंतर था। जैसा हम जान चुके हैं मुख्य भूमि की जो जलीय सीमा थी उसकी लंबाई थी हमने देखी 6100 किलोमीटर। मुख्य भूमि की जलीय सीमा की लंबाई है 6100 किलोमीटर है, द्वीपों सहित जलीय सीमा की लंबाई है 7516.6 किलोमीटर है। यहां तथ्य ध्यान देने योग्य है, अगर यह स्थिति नहीं आती है तो तथ्य को इस रूप में पूछा जाता है 7516.6 को बदल करके और यहां 17 दे दिया जाता है, 7517 किलोमीटर। इसको कहा जाता है कुल जलीय सीमा की लंबाई। महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट डाटा है भारतीय जलीय सीमा की लंबाई। भारतीय जलीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर, भारत की कुल जलीय सीमा की लंबाई एक्चुअल डाटा है 7516.6 किलोमीटर। अगर ये डाटा नहीं होता है तो डाटा होता है 7516.6 की जगह 7 दे दिया जाता है और इसको राउंड फिगर में 7517 किलोमीटर माना जाता है। दोनों में से एक तथ्य होगा 7517 किलोमीटर। अब यहां हम देखें ये जो जलीय सीमा है ये हमारे साथ किस प्रकार से लगती है। ये कुछ हमारी जलीय सीमा के साथ लगने वाली स्थिति है। सबसे पहले हम देखें इस स्थिति को कहा जाता है पूर्वी तटीय सीमा, इस स्थिति को कहा जाता है पश्चिमी तटीय सीमा। पूर्वी तट पर इस स्थान पर लगने वाली जो सीमा है ये पश्चिमी बंगाल राज्य की लगती है। इस स्थान पर जो सीमा लगती है ये ओडिशा की सीमा लगती है। इस स्थान पर लगने वाली सीमा आंध्र प्रदेश राज्य की लगती है और यहां अंति अंत में दक्षिण में लगने वाली जो सीमा है वो तमिलनाडु राज्य की सीमा लगती है। अर्थात पूर्वी सीमा के साथ हमारे 4 राज्यों की सीमा लगती है, 4 राज्य सीमा बनाते हैं। पश्चिमी तट पर जो हमारी जलीय सीमा लगती है उसके साथ में दक्षिण में अगर स्थिति को देखा जाए तो अंत में दक्षिणवर्ती जो राज्य है केरल राज्य है, केरल की जलीय सीमा लगती है। इस स्थिति को देखा जाए कर्नाटक की सीमा लगती है। यहां की स्थिति को देखा जाए गोवा की सीमा लगती है। इस स्थिति को देखा जाए महाराष्ट्र राज्य की सीमा लगती है और इस स्थिति को देखा जाए तो ये
गुजरात राज्य की सीमा बनती है। इस प्रकार से हमारी जलीय सीमा के साथ पांच राज्य हैं, पश्चिमी जलीय सीमा के साथ स्पर्श करते हैं। तो राज्य की स्थिति में पांच राज्य पश्चिमी सीमा पर, चार राज्य पूर्वी सीमा पर, कुल राज्यों की जो संख्या है, कुल जलीय सीमा 9 राज्यों की लगती है। यहां से आगे वाले तथ्य की ओर अगर हम बढ़े तो यहां इंपोर्टेंट तथ्य के रूप में पूछ लिया जाता है किस राज्य की जलीय सीमा सबसे अधिक लगती है। गुजरात राज्य की भारत के साथ लगने वाली जलीय सीमा सर्वाधिक है, सर्वाधिक जलीय सीमा बनती है। नेक्स्ट स्थिति में देखें, पूर्वी तट पर सर्वाधिक जलीय सीमा वाला राज्य है आंध्र प्रदेश है। दोनों तथ्य इंपोर्टेंट है, सर्वाधिक सीमा। लेकिन ध्यान रहे, भारत की सर्वाधिक जलीय सीमा की लंबाई गुजरात के साथ, पूर्वी तट पर पड़ने वाले राज्यों में सर्वाधिक जलीय सीमा की लंबाई आंध्र प्रदेश के साथ, तथा इसको ही सीक्वेंस के साथ पूछ लिया जाता है भारत का सर्वाधिक जलीय सीमा वाला राज्य कौन सा है। तो हम यहां इसके क्रम को देखते हैं, सर्वाधिक जलीय सीमा गुजरात राज्य की, नेक्स्ट आंध्र प्रदेश राज्य की, थर्ड तमिलनाडु राज्य की, तथा फोर्थ महाराष्ट्र राज्य की आती है। राज्य क्रमशः जलीय सीमा की लंबाई रखते हैं। इंपोर्टेंट डाटा है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण तथ्य यहीं से निकल करके आता है, कौन से राज्यों की सीमा जलीय राज्य के रूप में सर्वाधिक बनती है। तो सर्वाधिक सीमा और सर्वाधिक के बाद इसका ये क्रम इस प्रकार से व्यवस्थित पाया जाता है। अब इसी स्थिति को अगर हम आगे देखें तो कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं लगती हैं, तो हम यहां केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति में आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे द्वीप श्रृंखला की बात करें, इसको कहा जाता है अंडमान निकोबार द्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप इस स्थिति को कहा जाता है लक्षद्वीप, इस स्थिति को कहा जाता है पुडुचेरी, इस स्थिति को कहा जाता है द्वीप, इसको कहा जाता है दमन। इस प्रकार से हमारी जलीय सीमाएं केंद्र शासित प्रदेशों के साथ भी बनती हैं। इन केंद्र शासित प्रदेशों में हम सबसे पहले अंडमान केंद्र शासित प्रदेश जलीय सीमा पर गिरा हुआ है, लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जलीय सीमा पर है, दमन व द्वीप केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जलीय सीमा पर है, वह पुडुचेरी जलीय सीमा पर पड़ने वाला केंद्र शासित प्रदेश है। यहां एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट जो तथ्य आता है पुडुचेरी को लेकर के बनता है, और वो तथ्य होता है कि पुडुचेरी कितने राज्यों में विस्तृत है। दोनों तटों पर पड़ती है, पुडुचेरी स्वयं केंद्र शासित प्रदेश है, इसके चार जिले हैं, करिकाल, पुडुचेरी,
यनम माहे। यहां इन राज्यों की चर्चा भी करें तो इनकी विस्तार की स्थिति तीन राज्यों के साथ आती है, माहे केरल में, कारिकाल व पुडुचेरी तमिलनाडु में, यनम आंध्र प्रदेश राज्य में पड़ता है। इन चार जिलों की स्थिति तीन राज्यों के साथ बनती है। एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जो भारत की जलीय सीमाओं पर दोनों दिशाओं में है, पश्चिमी तट पर भी पड़ता है, पूर्वी तट पर भी पड़ता है, यहीं से एग्जाम में प्रश्न लगभग उठा लिया जाता है, इससे विगत एग्जामों में प्रश्न आ भी चुके हैं। अगर इस स्थिति को हम और देखें तो हम थोड़ी सी जानकारी इसके अतिरिक्त मानचित्र के माध्यम से लेना चाहें तो हम इस रूप में भी देख सकते हैं। भारत की सीमाओं के साथ सबसे पहले हमारी आउटलाइन में देखें तो ये हमारे कुछ केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली व एक केंद्र शासित प्रदेश की स्थिति हम यहां देखते हैं, गुजरात की सीमाओं के पास पड़ने वाला महाराष्ट्र राज्य का केंद्र शासित प्रदेश। इस स्थिति को कहा जाता है दादरा, इसको कहा जाता है नागर हवेली। अब यहां प्रश्न इस रूप में भी दिया जा सकता है, कौन से केंद्र शासित प्रदेश स्थलीय सीमाओं से घिरे हुए हैं, कौन से केंद्र शासित प्रदेश जलीय सीमाओं से लगते हैं, इस प्रकार से भी ये एक अलग से प्रश्न बनकर के निकलता है। यहां आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें और आगे बढ़ते हैं हमारी जलीय सीमाओं की अगली स्थिति में। नेक्स्ट स्थिति को देखें हम भारत के संदर्भ में, तो भारत के संदर्भ में हम कुछ इस प्रकार से इसके आउटलाइन पाते हैं। जलीय सीमाओं के संदर्भ में, जलीय सीमाओं के संदर्भ में हमने भारत और पाकिस्तान के साथ और बांग्लादेश तक हमारी जो सीमाएं थी वो हमने जलीय सीमाओं के साथ देखी थी। ये हमारी जलीय सीमाएं हैं, पश्चिम में पाकिस्तान व पूर्व में बांग्लादेश। पाकिस्तान की स्थिति व बांग्लादेश की स्थिति, इनके साथ हमारी जलीय सीमाएं लगती हैं। निकट पड़ोसी देश हमारा श्रीलंका है, इसके साथ हमारी जो जलीय सीमा है वो एडम ब्रिज के रूप में या जिसको हम कह सकते हैं आदम का पुल, इस जलीय भाग को कहा जाता है पाक जल संधि। इसी क्षेत्र को कहा जाता है मन्नार की खाड़ी। अब यहां दो तथ्य और निकल करके आते हैं, जलीय सीमाओं से आबद्ध क्षेत्रों की चर्चा करें हम तो जलीय क्षेत्रों में हमारे पड़ोसी देशों की स्थिति आती है। इस स्थान पर इंडोनेशिया के साथ और यहां आती है हमारी लक्षद्वीप के दक्षिण में मालदीव देश की। अब इस स्थिति में हम देखें तो हमारी जलीय सीमा है वो हमारे पड़ोसी देश तीन जलीय सीमाओं के निकट पड़ते हैं, इंडोनेशिया, श्रीलंका व मालदीव। मालदीव को लक्षद्वीप से अलग करने वाला चैनल 8 डिग्री चैनल है जो भारत और मालदीव को जलीय सीमाओं से अलग करता है। इंडोनेशिया को अलग करने वाला चैनल है, इसको कहा जाता है ग्रेट चैनल, जो इंडोनेशिया व भारत को अलग करता है, तथा श्रीलंका व भारत को अलग करने वाला आदम का पुल
मन्नार की खाड़ी या पाक जल संधि है। इस प्रकार से हमारी भारत की सामान्य जानकारी पूर्ण होती है। डियर स्टूडेंट, आपको कुछ अतिरिक्त जानकारी के लिए मैप का उपयोग करना पड़ेगा। मैप पर विशेष ध्यान देंगे। किस प्रकार से प्रश्न होते हैं अतिरिक्त, जिनकी जानकारी मैं बता दूं। अब यहां प्रश्न इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं, किस राज्य की सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनती है, कितने राज्य हैं जिनकी अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं बनती है, कितने राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमाएं जलीय नहीं लगती है, कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा अंतरराष्ट्रीय भी है वह जलीय भी है, कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा एक से अधिक राष्ट्रों के साथ बनती है। इस प्रकार से कुछ अतिरिक्त प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं जो मानचित्र आधारित होंगे। इस प्रकार से हम इस श्रृंखला को यहीं देते हैं विराम और मिलते हैं अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। थैंक यू।